नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। सीएम आवास का घेराव करने के लिए आज रांची में जमा होंगे झारखंड के पारा शिक्षक। राजकीय पारा शिक्षक यानी कि सहायक अध्यापक शनिवार को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। राज्य में 5 वर्ष बाद पारा शिक्षक आंदोलन के लिए रांची में जमा हो रहे हैं। मोर्चा के संजय दुबे ने बताया कि राज्यभर के शिक्षक मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए मोरहाबादी में जमा होंगे। शिक्षक वहाँ से जुलूस निकाल कर सीएम आवास के घेराव के लिए जाएंगे। आप सबको बता दूं कि एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की मुख्य मांगों में सहायक अध्यापक को वेतनमान और एपीएफ देना, सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद जिन शिक्षकों का निधन हुआ है उनके आश्रितों को नौकरी देना, आकलन परीक्षा जल्द आयोजित करना, अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण का अवसर देना, शिक्षक नियुक्ति में सीटेट को भी मान्यता देना शामिल है। उन्होंने बताया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। सेवा शर्त नियमावली के प्रावधान को भी लागू नहीं किया जा रहा है। उन लोगों ने कहा कि शिक्षकों के समक्ष आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मांगों के संबंध में विभाग पदाधिकारी का ध्यान भी आकृष्ट कराया गया था, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झारखंड में साल का सबसे गर्म दिन रहा शुक्रवार, 41.4 डिग्री सेल्सियस रहा रांची का अधिकतम तापमान। झारखंड में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन परेशान है। अब लोग गर्मी से राहत मांगने लगे हैं। मानसून में देरी से लोगों का सब्र भी टूटने लगा है। शुक्रवार को राजधानी में इस सीजन की सबसे अधिक गर्मी पड़ी। अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं राज्य के 2 जिलों यानी कि लातेहार और हजारीबाग को छोड़कर सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार रहा। इधर मौसम विभाग की माने तो लोगों को अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। 20 के बाद ही झारखंड में मानसून की बारिश होने के संकेत हैं। इससे पहले तक झारखंड के कई जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में गंभीर हीट वेव की चेतावनी है। 18 जून से मानसून की गति सुधर सकती है, मानसून का विस्तार होगा। इस कारण 20 और 21 जून से झारखंड में मानसून की बारिश हो सकती है। यह संथाल के इलाके से झारखंड में प्रवेश करेगा। 19 जून तक कहीं कहीं राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक सतही हवा भी चल सकती है। आप सबको बता दूं कि गोड्डा का तापमान लगातार अधिक चल रहा है। प्लामू का अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं गोड्डा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं पाकुड़ का तापमान भी 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। लातेहार और हजारीबाग का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ की बैठक, बोले योजनाएं कागज पर नहीं जमीन पर दिखनी चाहिए। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृत संकल्पित है। इसी को लेकर शुक्रवार को विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव या सचिव के उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजनाएं कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखनी चाहिए। इस बैठक की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा से हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री जिलावार उपलब्धियों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को अहम निर्देश भी दे रहे थे। ग्रामीण इलाकों से श्रमिकों का पलायन नहीं हो, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण इलाकों से रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन होने की बात लगातार सामने आ रही है, यह चिंताजनक है। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं चला रही है। हर पंचायत में कम से कम 5 योजनाओं का संचालन होना है। इसे आप प्राथमिकता के साथ लागू करें ताकि मजदूरों को अपने गाँव घर में ही रोजगार मिल सके। राशन कार्ड धारियों और लाभुकों को फलदार पौधा उपलब्ध कराएं, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कहा कि वे सभी राशन कार्ड धारी और विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को कम से कम 2-2 फलदार पेड़ देना सुनिश्चित करें। इससे न सिर्फ ग्रामीणों की आय में वृद्धि होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बेहतर कदम होगा। गाँव में भी खेल मैदान विकसित किया जाए, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पंचायतों के बाद अब वैसे गाँवों को चिन्हित करें जहां ज्यादा आबादी है और वहां वीर सहित पोटो हो खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान विकसित किए जाए, ताकि सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की जो योजना बनाई है उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। सीएम ने कहा कि शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं जो खेल में रुचि रखते हैं वैसे खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट्स उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इससे ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को आगे लाने में मदद मिलेगी।
महीने में एक दिन स्पोर्ट्स डे मनाया जाए, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। सीएम ने कहा कि विद्यालय में महीने में एक दिन स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाए और इस दिन विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन हो। इसके अलावा विभिन्न माध्यमों से बच्चों और उनके अभिभावकों की इसकी सूचना भी दी जाए ताकि वे स्पोर्ट्स डे में शामिल हो सके। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए भी इस तरह की खेल योजना बनाने का निर्देश दिया। सीएम हेमंत सोरेन बोले, ग्रामीण इलाकों में बढ़ाए प्रज्ञा केंद्रों की संख्या, नहीं लगाना पड़े ब्लॉक का चक्कर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंचायती राज विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के उपायुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में प्रज्ञा केंद्र स्थापित करें, सभी गांव में प्रज्ञा केंद्र संचालित करें, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर न लगाना पड़े, इस सोच के साथ प्रज्ञा केंद्रों को पूर्ण रूपेण कार्यरत करें ताकि आम जनता को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नया आधार कार्ड बनाना व आधार कार्ड में भूल सुधार आदि कार्य उनके निकटतम प्रज्ञा केंद्र में ही ससमय उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 3 महीने के अंदर राज्य के सभी प्रज्ञा केंद्रों में बिजली, पानी, जनरेटर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं सिक्योरिटी सहित अन्य जरूरी सुविधाएं हर हाल में उपलब्ध कराई जाए। सभी प्रज्ञा केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी प्रज्ञा केंद्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता 100% सुनिश्चित होनी चाहिए। प्रज्ञा केंद्रों में कंप्यूटर कार्यरत रहेगा तभी सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रज्ञा केंद्रों में बैंक से संबंधित कार्य एवं पोस्ट ऑफिस से संबंधित कार्यों की सुविधा भी सुनिश्चित कराई जाए। चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा, 25,000 रुपये जुर्माना भी। अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी डोमचांस के नैरपुर निवासी डब्लू सिंह उर्फ डेगन को धारा 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा अदालत ने धारा 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए आरोपी को 15 वर्ष सश्रम कारावास और 25,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया एवं 504 IPC के तहत दोषी पाते हुए 1 वर्ष सश्रम कारावास और 1,000 का आर्थिक जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। 11वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर जैक कार्यालय पहुंचे सैकड़ों छात्र, रीचेकिंग की मांग। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक द्वारा 13 जून को जारी किए गए 11वीं की परीक्षा के परिणाम में असफल एवं कम नंबर मिलने से असंतुष्ट छात्र छात्राएं जैक कार्यालय पहुंचे। शुक्रवार की सुबह 10 बजे JN कॉलेज, डोरंडा कॉलेज, योगदा कॉलेज, SS मेमोरियल और मरवाली कॉलेज के छात्र छात्राएं जैक ऑफिस पहुंचे। देखते देखते सैकड़ों छात्र कार्यक्रम स्थल पहुंचे एवं जैक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव से मिलना चाहा, लेकिन कोई अधिकारी उपस्थित नहीं थे। सूचना पर पहुंची नामकुम पुलिस ने सभी को परिसर से बाहर निकाला। लगभग 4 घंटे जमे रहने के बाद सभी चले गए। जैक कार्यालय पहुंचे छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया है कि OMR सीट पर ली गई 11वीं की परीक्षा परिणाम में कई त्रुटियां हैं। 10वीं में टॉप करने वाले छात्रों को भी फेल कर दिया गया है। कॉलेज के 50% से अधिक छात्रों को फेल कर दिया गया है। जिन्हें पास भी किया गया है उन्हें भी एवरेज मार्क दिया गया है। चाईबासा में CRPF के एक जवान पर लगा नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, मामला पहुंचा थाना। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाईबासा के मुफसिल थाना क्षेत्र के एक नाबालिग छात्रा से CRPF 197 बटालियन के एक जवान द्वारा दुष्कर्म करने के प्रयास करने का मामला सामने आया। इस संबंध में शुक्रवार को मुफसिल थाने में नाबालिग के मामा ने लिखित शिकायत की। नाबालिग अपने मामा के घर में रहती है। आप सबको बता दूं कि लिखित शिकायत में मामा ने कहा है कि 14 जून की रात खाना खाने के बाद लगभग 10 से 11 बजे के घर के बाहर वह अपने बेटे के साथ खटिया पर सोए हुए थे। देर रात लगभग 12 बजे खिड़की की तरफ से किसी व्यक्ति के कूदने की आवाज सुनाई दी। कूदने की आवाज से उसकी नींद खुल गई और वह टॉर्च लेकर घर के भीतर गया तो उन्होंने एक व्यक्ति को कमरे में पाया। आवाज लगाते ही जवान ने हाथापाई शुरू कर दी और उन्हें पकड़कर जमीन पर पटक दिया और मौका पाकर वह चप्पल छोड़कर CRPF कैंप की तरफ भाग गया। शिकायत में बताया गया कि जवान को वे पहचानता है क्योंकि शाम को CRPF जवान उसका गांव पहुंचा था। घटना की जानकारी मिलने पर आक्रोशित ग्रामीण पास ही स्थिति CRPF कैंप जोजो दाह स्कूल पहुंचे। वहां उसी CRPF जवान को सामने लाने की मांग की लेकिन जवान सामने नहीं आया। इसके बाद ग्रामीण महिलाएं जबरन कैंप के अंदर घुस गई और दोषी जवान को खोजने का प्रयास किया। इस दौरान एक कमरा को बंद पाया। इस कमरे के खुलने की कई बार विनती की गई। इसके बावजूद उस कमरे को CRPF के जवानों ने नहीं खोला। कुछ देर के बाद लगभग 12 बजे एक बाइक पर 3 जवान बैठकर कैंप के अंदर से निकले। बीच में आरोपी जवान भी बैठा हुआ था जिसे कहीं ले जाया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपी जवान को देखकर वह पहचान सकते हैं। शिकायतकर्ता ने थाना प्रभारी से आग्रह किया है कि दोषी जवान पर कार्रवाई करें वरना ग्रामीण आंदोलन करने को बाध्य होंगे।
झारखंड में मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को 4 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश। रांची के एमपी एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनिमिका किस्कू की अदालत में मोदी सरनेम पर टिप्पणी से जुड़े मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने 15 दिनों की मोहलत मांगी है। बाद में अदालत ने राहुल गांधी को 4 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की जमानत याचिका पर 23 जून तक सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने मनरेगा घोटाले में सस्पेंड आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई 23 जून तक के लिए टाल दी है। शुक्रवार को यानी कि 16 जून को ही जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई, जिस पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमनाउल्ला की एक अवकाशकालीन पीठ ने अभिषेक झा को कोई अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। इजहार अंसारी को ईडी का समन, 22 जून को होगी पूछताछ। कोयले के धंधे में पूर्व विधायक का पैसा लगे होने की आशंका। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने हजारीबाग के कोयला व्यापारी इजहार अंसारी को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। उसे 22 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इस कोयला व्यापारी ने अपने धंधे में एक पूर्व विधायक का पैसा लगा रखा है। ईडी ने पूजा सिंघल प्रकरण की जांच के दौरान हजारीबाग के कोयला व्यापारी इजहार अंसारी के ठिकानों पर छापा मारा था। जांच में पाया गया कि उसने 13 कंपनियों के नाम पर कोल लिंकेज ले रखा है। लिंकेज दिलाने में सीए सुमन कुमार ने मदद की थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।